आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में पहले, दूसरे, तीसरे फेज के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इस बैठक में जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उस पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला करेगी। शनिवार को ही चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर बीजेपी एक्शन में है। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। तो नेताओं की आज बड़ी बैठक होनी है, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन होगा। साथ ही जिन नामों को बैठक में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उस पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला करेगी। शनिवार को ही चुनाव आयोग ने प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ही चुनावी तैयारियां और तेज हो गई हैं। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और बैठकों का दौर जो है शुरू हो चुका है। वो चाहे गठबंधन के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर उम्मीदवारों के नाम पर हो, अब लगातार चर्चाएं का दौर शुरू हो चुका है। बैठक और बैठक के में ये बड़ा निर्णय लेना कि किसका नाम आगे बढ़ाना है और कौन किस जगह से चुनाव लड़ेगा, इन सभी चीजों पे अब मंथन शुरू हो चुका है। इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, आज जो बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो संभव है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव समिति ने कल शाम को बैठक की और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी लिस्ट को तैयार किया, जो पहले और दूसरे चरण में, जैसा कि चुनाव होने हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण में 58 सीटों पे और दूसरे चरण में 55 सीटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने हैं उनकी प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर कल शाम उत्तर प्रदेश चुनाव समिति ने चर्चा की और इसको लेकर जो कुछ निर्णय निकला है वो लेकर आज केंद्रीय नेतृत्व के पास से दिल्ली पहुंचेंगे तमाम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे और यूपी प्रभारी राधा मोहन भी पहुंचेंगे दिल्ली और तमाम केंद्रीय नेतृत्व में से जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसमें मंथन होगा और तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वो तय की जाएंगी। जी, तो क्या सिर्फ यूपी के लिए ही नामों का मंथन होगा या फिर बाकी राज्यों के नामों का मंथन भी आज ही होगा? जी फिलहाल अभी तो जैसा कि पहले और दूसरे चरण में, जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इन्हीं सीटों पर मंथन होगा और लगातार ये दौर जारी रहेगा। और अभी जैसा कि 14 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो 14 से 15, 16 के बीच में ये तमाम प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो पूरी हो जाएगी और जो वर्चुअल संवाद के तौर पे, वर्चुअल रैली के तौर पे इन तमाम चीजों पे भी बातचीत की जाएगी, कैसे चुनावी प्रचार प्रसार करने हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो प्रतिबंध है वो निर्वाचन आयोग द्वारा लगा दिया गया है कि आप रैलीज नहीं कर सकते हैं और आप भीड़ नहीं जमा कर सकते हैं, तो इन तमाम चीजों पे भी आज मंथन होगा। और शिवा, आपको बता दें, साथ ही जो यूपी प्रभारी हैं राधा मोहन, वो कहीं ना कहीं आज उनका ट्वीट सामने आया है और वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उनके अंदर कुछ हल्के लक्षण दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो तमाम नेता थे वो भी उनके साथ कल मीटिंग में शामिल थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मीटिंग में राधा मोहन पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। जी, तो जो भी नेता या कार्यकर्ता नहीं शामिल हो पाएंगे वो क्या वर्चुअली जुड़ेंगे इस बैठक में? जी बिल्कुल, साफ तौर से जो कार्यकर्ता या नेता नहीं शामिल हो सकेंगे, जो जिनका इस कोरोना का माहौल है और कई तमाम तरह की समस्याएं हैं, जो कार्यकर्ता जो नेता नहीं पहुंचेंगे वो वर्चुअली माध्यम से जरूर शामिल होंगे। और अब चुनाव में जरा कुछ ही समय बाकी रह गया है और नॉमिनेशन की डेट लगभग 3 दिनों के बाद नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और प्रत्याशियों की घोषणा भी करनी है, तो इसको लेकर समय बहुत ही कम रह गया है और मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा और अब शुरुआत हो चुकी है और लगभग ये दौर चलता ही रहेगा। जी जी, जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, वैसे विपक्ष की तैयारी किस तरह से चल रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से विपक्ष भी इसको लेकर कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर से मीटिंग कर रहा है और
तमाम तरीके से इस विपक्ष भी इसी तरह से जो चुनावी रणनीतियां हैं वो तैयार कर रहा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कल यूपी समिति की जो बैठक हुई है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का साफ तौर से ये कहना है कि जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें जो अपराधी छवि के जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका टिकट कैंसिल होने वाला है और जो साफ छवि के लोग हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और कहीं ना कहीं जिनका जो भी आपराधिक छवि वाले जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं उनका टिकट काटा जाएगा। जी, और अजहर अगर बात करें सीट शेयरिंग को लेके, तो अब तक किसने किसने ये चयन कर लिया है कि कितनी सीटों पर कितने गठबंधन के साथ चुनाव होगा? जी बिल्कुल, फिलहाल शिखा इस पे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पे आज केंद्रीय नेतृत्व में मीटिंग होने के बाद ही इस पे फैसला लिया जाएगा। इस पे कुछ कहा जा सकता है क्योंकि फिलहाल सीट शेयरिंग की जो बात है तो वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि जो एनडीए अलायंस है उनको कितनी सीटें देनी है और कैसे लड़ना है। वो पूरा समीकरण जो है वो आज की इस मीटिंग में तय होने वाला है। इस मीटिंग के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, जो एनडीए अलायंस की जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनको कितनी सीटें दी जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें देती है। तो ये तो आज की मीटिंग के होने के बाद ही कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो यूपी में आज बड़ी बैठक होने जा रही है जहां भाजपा के प्रत्याशियों के नामों को लेकर बड़ी बैठक है जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे और पहले दूसरे तीसरे चरण के लिए आज नामों की घोषणा हो सकती है और इसी पे चर्चा है, अहम बैठक है जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति पर बदलाव किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत अब भाजपा आज से पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं के लिए किए गए कामों की जानकारी घर घर जाकर जनता को दी जाएगी। इस जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता और नेता राज्य के 1,74,000 बूथों पर घर घर जाएंगे। साथ ही पांच पांच व्यक्तियों का समूह बनाकर भाजपा कार्यकर्ता सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरीके से अब जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है, जगह जगह जाके, लोगों के घर घर जाके पांच पांच लोग जाएंगे और जनता के बीच जाके अपनी जितनी भी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, और क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की? जी बिल्कुल शिखा, आपको बता दें जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा करने के बाद ये साफ तौर से कह दिया था कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव आयोग का साफ तौर से ये कहना था जो चुनावी कैंपेन है उस पर एक तरह से कह सकते हैं कैंपेन कर्फ्यू लगा दिया है 16 तारीख तक के चुनाव आयोग ने। और इसके बाद ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चुनावी पार्टियां हैं, जो जितनी भी राजनीतिक दल हैं, वो वर्चुअली माध्यम से रैली करेंगे और लगभग 5 लोगों की टीम गठित की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और वो जो लगभग 3.5 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनके डोर टू डोर जाके उन तमाम उपलब्धियों के, उन तमाम कामों को लेकर लोगों को बताएंगे और जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर उनको बताएंगे और वर्चुअली तौर से लोगों से जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के चलते ये एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये आज लगभग आज से ये जो डोर टू डोर जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएंगी और आज से ही जाके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों से जाके मिलेंगे और लगभग 1,74,000 बूथों से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थी जो हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा और उन तमाम योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम उपलब्धियों को उन लाभार्थियों को बताया जाएगा और उनके दरवाजों पे झंडा और बीजेपी का स्टिकर्स भी लगाने का काम करेंगे कार्यकर्ता। जी जी अजहर, जिस तरह से आज से बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है, विपक्ष कब से इस कैंपेन को शुरू कर रहा है, क्या कुछ तैयारी विपक्ष की? जी बिल्कुल, साफ तौर से आज बीजेपी ने इस कार्यक्रम को शुरू कर ही दिया है और विपक्ष भी इसको लेकर काफी सक्रिय है और विपक्ष भी लगातार अपना
डोर टू डोर जो प्रचार प्रसार है वो कर रहा है। लेकिन शिखा आपको सबसे पहले बता दूं कि जब इस तरह का माहौल बनता है, जब हम वर्चुअली मीटिंग्स करते हैं तो साइबर सेल की भूमिका अहम हो जाती है। तो इसको लेकर जो साइबर साइबर सेल है उसको काफी सक्रिय रहना पड़ेगा। हालांकि एडीजी प्रशांत कुमार ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी भी रखी जा रही है, तमाम उस तरह के भ्रामक पोस्ट की निगरानी की जा रही, फेक न्यूजेस की निगरानी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि लोग वहां पर स्वतंत्र हैं और किसी भी तरह की पोस्ट डाल सकते हैं, उस पे जो कार्रवाई है वो इतनी त्वरित तौर पर नहीं हो जाती। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी तरह की हम बात करें तो इतनी जल्दी हम कार्रवाई नहीं कर सकते। और खास तौर पर शिखा आपको बता दें, जो जैसा कि इन 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पे आचार संहिता लागू है, अगर यही दुष्प्रचार इन 5 राज्यों के अलावा कहीं से किया जाता है तो उस पे चुनाव आयोग किस तरह से कार्रवाई करेगा, उस पे सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और किस तरह से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तब व्हाट्सएप हो, तमाम तरह की जो ये चीजें हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, इन पे जो प्रचार होते हैं, या जैसा कि हमने देखा है किसी भी नेता या किसी भी राजनेता के फोटो के साथ तमाम तरह की बातें लिखकर पोस्ट कर दी जाती है, तो इसको इसकी तह तक पहुंच पाना ये कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग होने वाला है चुनाव आयोग के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। 403 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता जाएंगे और 5 ही 5 कार्यकर्ता जा सकते हैं, नेता जा सकते हैं लोगों के बीच डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, तो कितने समय में ये पूरी 403 विधानसभा को कवर कर सकती है एक ही पार्टी? जी बिल्कुल, जैसा कि 5-5 लोगों की जो टीम बनाई गई है वो 5-5 लोग डोर टू डोर जाएंगे और लगभग 1,74,000 बूथ बनाए गए हैं जिससे वहां से लोग डिवाइड होंगे। 403 विधानसभा सीटों में लोगों को जो लाभार्थी हैं, लगभग 3.5 करोड़ का जो आंकड़ा तय किया गया है, उनसे मिलेंगे और उनको तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं और जो उपलब्धियां हैं उनके लाभ बताएंगे, जो जो सरकार ने लोगों के लिए काम किया वो तमाम चीजें बताएंगे। और ये तो अब जारी रहेगा, अब फिलहाल जैसा कि कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं इसकी भी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है और इन तमाम देशों मुजफ्फरनगर है, तो इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है यहाँ से डोर टू डोर इस अभियान की शुरुआत शायद भारतीय जनता पार्टी पहले करे, उसके बाद दूसरे चरण के जब चुनाव होंगे तो फिर उन इलाकों में होगी। तो इस चरणबद्ध तरीके से ये तमाम तरीके की जो कार्यक्रम है वो रखे जाएंगे। जी अजहर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी सीट है, कौन कौन सी सीट है जहाँ पे बीजेपी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, जहाँ पे उसको काम करने की ज्यादा जरूरत है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से अगर हम बात करें सहारनपुर की, देवबंद की बात करें और हम मेरठ की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, इसलिए क्योंकि वो ये तमाम जो इलाके हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इन जगहों पे जो बीजेपी का चुनाव लड़ना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों को लगातार कहती आई है कि हमने विकास को लेकर तमाम तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कानून व्यवस्था पे किस तरह से नियंत्रण किया और गुंडों और माफियाओं के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई किया, और अब देखने वाली बात यह होगी जनता कितना ज्यादा इन तमाम चीजों को समझती है और किस तरह से वोटिंग करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो सीधे तौर पर अब जनता के बीच जाना शुरू हो चुका है, बीजेपी ने आज से इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया है, डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है, जिसके द्वारा अब जनता के बीच जाएंगे सरकार के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता और जाके योजनाओं के बारे में बताएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।